शुभ संध्या, नमस्कार। उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी द्वारा आयोजित कला विविधताओं के प्रदर्शन की श्रृंखला गमक की आज की इस सभा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की शाम हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं नाटक मध्यांतर। इसके लेखक हैं श्री जयवर्धन, निर्देशन सुश्री विभा श्रीवास्तव और प्रस्तुति एक रंग सोशियो कल्चरल सोसाइटी भोपाल की। प्रिय दर्शकों, इस संसार में एक ही समय के साक्षी हम सब अनगिनत लोग अपने अपने हिस्से के समय को एक साथ जीते हैं, लेकिन ये एक ही समय अलग अलग जिंदगी को अलग तरह से छूकर गुजरता है और हर जिंदगी की कहानी अलग होती है। ये जो हमारे आसपास बोलते बतियाते चलते फिरते लोग हैं, ये सिर्फ लोग नहीं हैं, अनगिनत कहानियां बिखरी पड़ी हैं हमारे चारों ओर। संवेदनाओं की कलम इन्हीं कहानियों को चुन लेती है और फिर जब वो कहानी रंगमंच पर दोबारा जीवित होती है तो फिर अपने देखने सुनने वालों से नए अर्थों के साथ एक संवाद स्थापित करती है, कई आयाम खुलते हैं और एक विमर्श की जमीन तैयार करती है जिंदगी पर। ऐसी ही एक अत्यंत संवेदनशील कहानी है मध्यांतर। इस नाटक का मंचन कुछ ही देर में हम करने जा रहे हैं, जिसका निर्देशन किया है सुश्री विभा श्रीवास्तव ने। हम आपको बता दें कि विभा जी का जुड़ाव सन 1994 से सन 2000 तक रंगश्री लिटिल बैले ट्रुप भोपाल से रहा है। आपने पद्मश्री गुलवर्धन, श्री प्रभात गांगुली, श्री चंद्र माधव बारीक, सुश्री श्रुति कीर्ति बारीक जैसे गुणीजनों के सानिध्य में 30 से भी अधिक बैले नृत्य रचनाओं में सहभागिता की है, जिनमें प्रमुख हैं रामायण, महाभारत, पंचतंत्र और अपराजिता आदि। इसके साथ ही विभाजी छाऊ, बधाई, कर्मा और लाई हरोबा जैसी आंचलिक नृत्य शैलियों में भी पारंगत हैं। आपने श्री हबीब तनवीर, अलकनंदन, जावेद जैदी, राजीव लोचन और श्री रामचंद्र सिंह जैसे प्रख्यात रंग निर्देशकों के सानिध्य में आगरा बाजार, चरण दास चोर, पंचलाइट और चक्रव्यूह जैसे अनेक नाटकों में अभिनय किया है। विभा जी ने कई नाटकों का निर्देशन भी किया है, जिनमें प्रमुख हैं शुतुरमुर्ग, फूलमती, रणभूमि की नायिका और अपने ही पुतले आदि। रंगमंच के साथ साथ आप आकाशवाणी और फिल्मों में भी सक्रिय रहे हैं। वर्तमान में आप कीर्ति बैले एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स भोपाल में बतौर कलाकार सक्रिय हैं। आज अपने नाटक मध्यांतर के साथ विभाजी हमारे बीच उपस्थित हैं। प्रस्तुति एक रंग सोशियो कल्चरल सोसाइटी भोपाल की है। हम आपको बता दें कि ये संस्था विगत 10 वर्षों से रंग जगत में सक्रिय है और इस जिम्मेदारी के साथ सक्रिय है कि जो आज की युवा पीढ़ी है उसकी रचनात्मकता को एक संयोजित दिशा प्रदान की जा सके। अनेक नाटकों का मंचन इस रंग संस्था द्वारा किया गया है, जिनमें प्रमुख हैं शुतुरमुर्ग, फूलमती, रक्त सरिता, मैं चिड़िया आकाश में और अनोखा उपहार इत्यादि। नाट्यकला पर गोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन भी संस्था द्वारा किया गया है, साथ ही बच्चों के लिए बाल नाट्य कार्यशाला और नृत्य कार्यशालाओं का आयोजन भी संस्था करती रही है। देश के अनेक रंग महोत्सवों में इसने प्रतिभागिता की है और आज गमक के इस मंच पर मध्यांतर की प्रस्तुति लेकर उपस्थित है। मध्यांतर यानी दो व्यक्तियों या दो घटनाओं के बीच की दूरी, इसी दूरी को कहती है मध्यांतर की कहानी। वैसे मनुष्य उस तरह नहीं जीता जैसे पेड़, पहाड़ या नदियां जीती हैं। हम जीते हैं तो हमारे साथ भावनाओं की एक नदी भी ताउम्र हमारे भीतर बहती है और इसी नमी में हमारे रिश्ते फलते फूलते हैं, समृद्ध होते हैं, हरे होते हैं। वो भावों का ही संसार है जो हमारे जीवन की दशा और दिशा को तय करता है। त्याग, समर्पण और प्रेम, ये वो भावनाएं हैं जो किसी भी रिश्ते को कितनी भी बड़ी मुश्किल से उबार लेती हैं। मध्यांतर पति पत्नी के रिश्ते की एक ऐसी ही बारीक बनावट है, अत्यंत संवेदनाओं से भरी हुई कहानी, घटनाओं से भरी हुई कहानी। कुछ ही देर में इसका मंचन आरंभ होगा। मंचन आरंभ हो उसके पहले इसमें भाग लेने वाले कलाकारों से हम आपका परिचय करवा दें। मंच पर सूत्रधार श्री अंकुर राव सूर्यवंशी, ज्ञान श्री संदीप पाटिल, छाया सुश्री तितिक्षा श्रीवास्तव, जयंत
श्री नीरज श्याम लोरी सुश्री राधिका तिवारी, परछाई श्री अक्षत सिंह और श्री हर्ष अग्रहरी। मंच परे मंच संचालन श्री मयंक होने, सुश्री दिव्या गौतम और सुश्री संजना, प्रकाश परिकल्पना श्री धन्नुलाल सिन्हा, संगीत संचालन श्री अंकुर राव सूर्यवंशी, मेकअप सुश्री शीला चौरागड़ी, प्रॉपर्टी श्री विकास श्रीवास्तव। इस नाटक के लेखक हैं श्री जयवर्धन, निर्देशन सुश्री विभा श्रीवास्तव का। तुली जी प्रस्तुत है नाटक मध्यांतर। हो गया समय, हो गए लोग, कुछ समय के साथ कुछ समय के परे ढूंढा, कुछ मिल गए, कुछ का सुराग भी ना मिला, कुछ निकल गए बहुत दूर, जैसे निकल गया समय बहुत दूर, बहुत दूर। किसी की आप बीती किसी के लिए कहानी बन जाती, जिसे हम पढ़ने पढ़ाने में रुचि होने के नाते पढ़ लेते हैं या सरसरी निगाह से देख लेते। कुछ लोग इस कहानी को अलमारी में सजा कर रखते हैं तो कुछ लोग किसी कोने में डाल देते हैं, जो अमूमन एक दिन रद्दी की दुकान पर पहुंच जाती है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो ऐतिहासिक पौराणिक या परियों की कहानी नहीं है, बल्कि पति पत्नी के संबंधों के यथार्थ की कहानी। तो आइए देखते हैं नाटक मध्यांतर। जाओ मैं तुमसे बात नहीं करूं। अरे ये तुम ऐसे ही मेरी मम्मी पापा को मजाक उड़ाते रहते हो।
सॉरी है लो चाय पी, अच्छी बनी तुम्हारी कल जो पेंटिंग का है जो कल आया पक्का रसोई में लगा दी होगी है ना। नहीं मैं अभी नहीं करा। बैठो ना थोड़ी देर चाय तो पियो मेरे साथ, काम करती रहती हो। अच्छा मैं क्या सोच रहा हूँ, आज हम कहीं बाहर चले घूमेंगे फिरेंगे, किसी अच्छे से होटल में खाना खाएंगे। नहीं बाहर घूमने फिरने में खाना खाने में कितना पैसा खर्च होता है, मुझे कहीं नहीं जाना। हाँ सो तो है, अब आज बाहर खाने के ना रोज तुम्हारे हाथ का बना खाते हैं। वो तो खाना पड़ेगा, अब तुम्हें अच्छा लगे या बुरा खाना तो पड़ेगा। चलो ठीक, आज मूड चेंज के लिए खाना हम बनाएं। बताओ क्या खाना, उंगलियां चाट लोगे? उंगलियां? हाँ हाँ, अब खाने से पेट ना भरे तो उंगलियां ही चाटनी पड़ती है। अब उधर पूर्ति करनी है या उंगलियां चाटनी, बताओ। हंसलो हंसलो, खाने के बाद वाह वाह करोगी? वाह वाह, बोलो क्या खाना है। जनाब आप बैठे, जो खाना होगा मैं बना लूंगी। अरे बाबा सब्जियां तो काट दू, कभी काटी है सब्जियां? सारी उधर पे रख दोगे, मैं काट दूंगी। अरे यार अरे लॉर्ड, हां इस पेंटिंग को हम यहां सेंटर में लगाएं, अच्छा लगेगी ना? यहां पर? हां ब्यूटीफुल, लो मैं लाऊं? नहीं मैं लाऊंगी तो कुर्सी। जैसी आ गया देवी ला रहा कुर्सी। हां एक मिनट, छोड़ दिया तो क्या होगा? नीचे गिर जाओगे और क्या। अच्छा फर्श पे गिरोगी घर के? हां फिर तुम छुट्टी लेके मेरी सेवा करना और मैं प्लास्टर चढ़ा के बेड पे आराम से लेटी रहूंगी। बिल्कुल लेकर आओ। अरे यार तुमने तो कहा था पेंटिंग लाने के लिए। मैं गिर जाती तो? हां तो घर के फर्श पे गिरती ना, हाथ पैर नहीं टूटते, कुर्सी पे खड़ी थी एवरेस्ट पे नहीं। यही यही बात पहले कह देने में क्या हर्ज था, लेकिन नहीं तुम औरतों को कुछ काम करना ही नहीं आता। अच्छा अरे मेरा मतलब है जो तुम लोगों को आता है वो हम लोगों को नहीं आता, लेकिन बात अलग ये है कि तुम औरतें कुछ काम करना ही नहीं चाहती हो। काम छोड़ तुम हो हम नहीं। वंडरफुल, कितना खूबसूरत लग रहा है बच्चा, शक्ल और सूरत काफी हद तक ना मुझसे मिलती मुझसे। बात तो सही लेकिन नाक थोड़ी सी भद्दी और मोटी है। अच्छा मोहतरमा वो जानू मेरी जाने मन हजारों मरती है इस नाक पे। अच्छा मैं भी तो देखूं जानलेवा नाक है। छोड़ो भाग नहीं। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। अंकल आंटी क्या कर रहे हैं? जॉगिंग जॉगिंग कर रहे हैं। जॉगिंग जानती नहीं क्या हेल्थी वेल, तू भी कर। अरे क्या सुबह क्या शाम, पता है रात में 2 बजे नींद खुलती है ना योगा शुरू कर दे तो स्टॉप। हम आपसे बहुत नाराज है। क्यों अंकल, मैंने क्या किया? क्योंकि आप हमारे यहाँ रोज रोज नहीं आती हो। अंकल मैं तो रोज आती हूँ। क्यों आंटी आती हूँ ना? हाँ हाँ ये तो रोज आती है, अब आप ही हैं छुट्टी से गए थे। क्या बात, आंटी बड़ी तरफदारी कर रही है। अच्छा एक बात तो बता, हम तुम्हारे सबसे अच्छे अंकल हैं। अंकल वो तो, लेकिन आंटी बहुत प्यारी है, मुझे बहुत प्यार करती है। तभी कहूँ यहाँ प्यार की क्यों कमी होती जा रही है। अरे वो तो भूल ही गई थी आंटी, मम्मी ने कहा था कि आप दोनों को आज रात मेरे घर खाना खाने के लिए आना है। पर हम तेरे यहाँ खाना खाने कैसे आ सकते हैं, हमारे यहाँ तो खाना बन गया, तेरे यहाँ कभी और आएंगे। तो आंटी आज नहीं आएंगी? नहीं नहीं दीदी लोरी, मैं तो जरूर आऊंगी। अरे यहाँ जो खाना बना रखा है उसका क्या होगा? वो खाना तुम खा लेना। अरे इतना ढेर सारा खाना मैं अकेले कैसे खाऊंगा? लोरी तेरी आंटी का साथ देने मैं भी तुम्हारे आऊंगा, वो तो जाएंगी। आंटी ने क्या बनाया? आपकी आंटी की तबीयत आज थोड़ी ढीली है। तुम्हें क्या पता तुम्हें क्या होता रहता, इसलिए खाना आज मुझे बनाना पड़ा। पता है खाना बनाना एक उदाहरण, खाना बनाना एक कला जिसे पाक कला कहते हैं, और ये कला हमें विरासत में मिली है। हाँ लोरी तेरे अंकल ने आज ऐसे ऐसे पकवान बनाए, ऐसे ऐसे खाएगी आप चाटती रह जाएगी। आंटी थोड़ा सा हम भी खाएंगे, ये आएंगे ना? अरे बिल्कुल अपने अंकल से कहो, आज के दिन का सारा भार अंकल ने उठाया। कैसे खाओगी? मतलब खाना हमारे तीखा बना है, तुम्हारे खाने लायक नहीं है, तुम्हें मैं चॉकलेट देता हूँ। अंकल टेरी मिल्क। टेरी मिल्क? अच्छा अंदर जा पानी ले लिया। पानी तीखा ले बेटा, कैडबरी। अंकल तो नहीं है बेटा, दोनों अंदर से एक जैसे ही होते हैं, दांत पड़ाते हैं। अंकल आपके यहाँ फिर कोई नाटक नहीं हो रहा है? उनका लिखा नया नाटक दायरा। अब तो मैं भी नाटक करूंगी। पर बेटा वो बच्चों का नाटक नहीं है, बड़ों का नाटक है, हम
अंकल से बोलना किसी और नाटक में रख लेंगे आप। सच मैं तो जरूर कहूंगी। अच्छा जी मैं जाती हूँ, आप लोग जल्दी से आ जाइएगा। बाय बाय बाय। कितनी प्यारी बच्ची है ना। अच्छा तुम यहाँ बैठो। बैठो बैठो, तुम्हारे लिए ना एक सरप्राइज है, आके बंद करो। जैसा सोच रही हो ना वैसा बिल्कुल भी नहीं। ये देखो जयंत का लिखा नया नाटक दायरा मेरे आने जा रहा है। तेरे कौन सा है? खाक सर। नाटक का बंटा धार। हाँ हाँ क्यों नहीं है। अंधा युग, एडिपस, तुगलक, आषाढ़ का युग, इन जैसे नाटकों को लोग आज भी इसलिए याद करते हैं क्योंकि हमने उनका बंटाधार किया। भाई क्या जमाना आ गया है, दिन रात मेहनत करके नाटक हम तैयार करते हैं और थाली पे लेके जाती है हमारी छाया रानी। ये तो वही हो गया ना जैसे शादी मेरी और सहरा। कभी किसी पर यही कहना चाहता हूँ ना जनाब, मेरा हक है क्योंकि आप मेरी अर्थांग कर रही है। क्या नक्शेबाजी है छाया। अब तुम निर्देशक हो तो मैं भी किसी निर्देशक से कम थोड़ी ना हूँ। अच्छे बुरे नाटकों की बहुत अच्छी समझ है मुझे। कभी मेरे नाटकों की बखिया उधेड़ती रहती हूँ। तुम्हें बुरा लगता है? देखो नाटक की सही समीक्षा सिर्फ छाया कर सकती है। अब दूसरों में और मुझ में यही तो फर्क है। दूसरे तो आंखों देखी बातें करेंगे, मैं नाटक की अच्छाई और बुराई दोनों बताती हूँ। छाया मैं जानता हूँ कि तुम मेरे नाटकों की निष्पक्ष समीक्षक हो, पर तुम्हारी गलती क्या पता है? तुम मेरे नाटकों की बुराई पहले करती हो और अच्छाई बात। कभी कभार तारीफ भी तो कर दिया करो अपना वन एंड ओनली हस्बैंड समझ कर। अच्छा ठीक है, अब अगली बार से मैं सिर्फ तारीफ ही तारीफ करूँ और तुम कहो तो दो चार लोगों को हॉल में तारीफ करने किराए पर बुला लो। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम जानती हो कि पीठ पीछे बुराई और सामने अच्छाई करने वालों से हमें सख्त नफरत है। आशा है आप इस लिस्ट में नहीं आना चाहो। बिल्कुल नहीं। वैसे एक बात हूँ, मैं आज जो कुछ भी हूँ तुम्हारी वजह से। उपस्थित सज्जनों नमस्कार। अब सज्जनों नहीं सज्जन बोलो, यहाँ सिर्फ एक सज्जन है। कितना लेट लतीफ है यार, हर काम अधूरा छोड़ देता है। अरे यार पूरा हो जाएगा इस बंदे को पूछेगा कौन, कम से कम इसी बहाने लोग घेरे तो रहते हैं। स्वाद सिद्ध हो जाने पर कोई किसी को घास डालता है क्या? क्यों बात? अब आप दूर की बातें आप जाओ, मुझे तो बहुत काम है। असलिया भाई दायरा की रिहर्सल शुरू हो गई है, एंड सीन कल तक मिल जाना चाहिए। एंड सीन कल तक मिल जाना चाहिए? अबे मेरे पास लिखा रखा है क्या? सच बात तो यह है कि अब क्या करूं कैसे करूं इसका निर्णय मैं नहीं ले पा रहा हूं। इरादा क्या है वो बंद कर दूं रिहर्सल? नहीं मुझे अपनी बेइज्जती कराने का बिल्कुल शौक नहीं है। वाह 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 ज्ञान बाबू, तू बड़ा इज्जत वाला है ना, तू बस दूसरों पर रॉब मारना जानता है। मशीन नहीं हूँ भाई मैं, इंसान हूँ। तुम बस बटन दबाना जानते हो, ढेर भर की मदद तो कभी करते नहीं। अरे यार ये लिखने लिखाने में तेरी मदद क्या कर सकता हूँ भाई? राय सलाह दे सकता है कि वो भी नहीं, एक्टिंग टीचर है, 200 नाटक डायरेक्ट कर चुका है, हो सकता है तेरे मंच के हिसाब से सोचने का ढंग अलग हो। सही भी। हाँ महादेव बोलो क्या करना है मुझे, क्या यही बात ना? यही बात पहले नहीं कह सकता, लेकिन नहीं जब तक दो चार सुनता नहीं है ना सीधे मुंह बात नहीं करेगा, और जब भी कोई बात करना चाहूंगा। नहीं नहीं अभी मेरे पास समय नहीं है, फिर किसी और दिन बात करेंगे। फिर वो दिन तेरा आता नहीं। रगड़ा समोसा खाएगा हैं? भावा बाटी टॉपिक पे आ। अच्छा सॉरी उसी पे आ। सॉरी मैं तुझे पूरी सिचुएशन समझा देता हूँ, आगे का इम्प्रोवाइज करके देखते हैं। तू अपने आप को मान ले श्री और हम भाभी को मान लेते हैं इति। किसको? भाभी को। इति? हाँ। छाया को? क्या कह रहा है देखो भाभी, दायरा नाटक लगभग पूरा हो। झूठ बोल रहा है, झूठ है। बात ये है आप मेरी जरा सी मदद करो, मैं से आज ही कंप्लीट कर करेंगे आपको एक्टिंग। असंभव, एक्टिंग करना सबके बस की बात नहीं है भाई। भाई तो ज्ञान देव जी की घर की खेती है ना, शुक्र मनाओ अभी हम और नीचे हैं। दोनों के बीच अच्छे संबंध है, शादी के कई साल गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक उनके कोई भी बच्चा नहीं। बच्चे की चाहत दोनों को ही है, इस बात को लेकर अक्सर घर वाले और बाहर वाले उन पर छींटाकशी किया करते हैं। दोनों अपना चेकअप कराते हैं, रिपोर्ट के अनुसार कमी निकलती है इति में, और आगे क्या कहानी बन सकती है देखते हैं। तो इसमें कहानी क्या बनानी है, नाटक यही खत्म कर दो और ऊपर से उद्घोषणा करवा दो कि इसका फैसला हम आप सुधीजन दर्शकों पर छोड़ दो। जी नहीं, एक बात हमेशा याद रखो, बच्चे की चाहत दोनों को है, श्री और इति। समझ गई ना भाभी? हाँ। चलिए शुरू हो जाए।
यार मैं कहाँ बैठूं कुर्सी पर? ओहो डायरेक्टर साहब की चेयर किस्मत वालों को मिलती है। छाया ज्ञान, अरे ओ तो हंसों का झोला, अभी तो समझाया छाया ज्ञान है श्री और इति। हाँ, अभी समझाया श्री इति। हम दूसरा बच्चा दूध लेकर, तुम्हारा कहना सही है पर मैं इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी हो वो कहलाएगा दूसरे का बच्चा, वो अपनापन कभी नहीं आएगा। ऐसा क्यों सोचते हो? हम उसे बहुत प्यार देंगे और बच्चे तो उन्हीं को अपना समझ लेते हैं जो जिनसे उन्हें प्यार होता है। नहीं हरगिज नहीं, ऐसे बच्चे बड़े होके किसी के नहीं होते हैं क्योंकि उनकी रगों में गंदा खून होता है। इसी बात पे दिल छोटा मत करो, और गंदा खून हम लॉन्ड्री से धुलवा लेंगे। अरे ये क्या बोल दिया आपने? ले बोल रहा था एक्टिंग करना, सच्ची बस की बात नहीं है। इतना बढ़िया तो चल रहा था आपने ये। मैं नहीं कर रहा मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारी क्या राय? तुमने निर्णय ले ही लिया है तो मेरी राय जानकर क्या करूँ? फिर भी तुम्हें बच्चा चाहिए, बीवी नहीं चाहिए। शादी करना चाहते हो ना, शौक से करो। मैं कुछ नहीं कहूंगी और मैं तो कुछ कह भी नहीं सकती क्योंकि एक बार याद रखना किसी और को तुम्हारे ऊपर अधिकार नहीं देख सकती। मैं तुम पर अपना अधिकार चाहती हूँ, एक अधिकार। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया ना तो मैं मर जाऊंगी। श्री मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। मैं दुनिया वालों के तारीफ
आजकल कुछ नया नहीं लिख रहे हो क्या?
बस यार मौका ही नहीं मिलता। एक काम करो, ये लिखना लिखाना मुझे भी सिखा दो। इसमें सिखाना क्या है यार, हिंदी वर्णमाला और देवनागरी लिपि तुझे बहुत अच्छे से आती है, कोई सा भी टॉपिक पकड़ और शुरू हो जा। मुश्किल है गुरु, तुम जानते हो लिखने लिखाने के मामले में मैं शुरू से ही गोबर गणेश था। भाई रामायण लिखते लिखते महाभारत लिख डालूंगा। अरे भाई आखिर लिखना क्या चाहते हो, महाभारत लिखना चाहते हो ना तो रामायण से शुरू करो, और रामायण लिखना चाहते हो ना तो महाभारत से। अच्छा वो राय साहब से रुपयों के लिए कहा? हाँ ये चेक। अरे ये तो 10,000 रुपयों का चेक, मैंने तो 5,000 रुपयों के लिए कहा था। क्या बात, बड़े मेहरबान हो रहे राय साहब उन पर। ज्ञान ग्रामर स्कूल से अब तेरा अंतिम चेक। क्या मतलब? मतलब साफ है यार, आराम से सुनो, अब तुझे एक्टिंग टीचर के रूप में नहीं जाना चाहिए। क्या? हाँ ये 10,000 रुपए खजाने के रूप में दिए गए। ये राय साहब का निर्णय? नहीं यार ये मैनेजिंग कमेटी है। क्यों क्यों? क्योंकि यार अब तू अपाहिज हो गया हूं। अब मैं अपाहिज हो गया? वाह राय साहब वाह, आखिरकार अपाहिज होने का एहसास दिलाई दिया। चैन क्या नहीं किया मैंने यार ड्रामा स्कूल के लिए, एक कुर्सी नहीं थी मुफ्त में काम करने को तैयार हो गया था। आज स्कूल का अपना नाम है, अपने पास पैसा है तो निकाल दिया क्योंकि मैं अब मतलब मैं एक्टिंग कैसे पढ़ा सकता हूँ ना भाई, एक्टिंग टीचर होने के लिए दो पैरों का होना बहुत जरूरी है। ये छाया है ना तेरी भाभी, ये कभी कभी मुझसे लड़ती कहती थी यार मुझे तलाक दे दो और ड्रामा स्कूल से शादी कर दो, तुम्हें ही पढ़ी रहती हो उसकी माँ तो और भी कई लोग हैं, लेकिन नहीं ड्रामा स्कूल को मैं प्यार रखता था, अपना समझता था यार। एक एक चीज उसकी करीने से बजा कर रखी थी, कोई भी चीज इधर उधर होती थी स्कूल में हंगामा खड़ा कर देता था। अच्छा सुन देवी,
गेस कर, सरप्राइज है। इससे बड़ा सरप्राइज और क्या मिलेगा? अरे ये से इससे भी बड़ा सरप्राइज है। सोच पर है? पता नहीं। इनफैक्ट एक ट्राई तो कर भाई। नहीं मालूम क्या है। तू ना बैठे बैठे तक दिमाग सड़ गया। ये देख मेरी मनपसंद रम, साथ में पिएंगे हम और भुला देंगे सारे काम। वाह लदे देना बे, ये जाग गया शेर मेरा। पहले के भी क्या दिन हुआ करते थे, रोज अब मौका ही नहीं मिलता। आज भी नींद पड़वाएगा तू पानी नहीं लाया। ठीक है ना, आज गम भी बड़ा है ना। ये रुक, अपना नियम याद है ना, टॉप टू बॉटम वाला भीड़ में। सुन यार, माया को जानते है? कौन माया? अरे वो बॉब का क्या, लेडी जे किचन जो लड़की रहती थी तेरी गर्लफ्रेंड। मैं तुझे कितनी बार कह चुका, कलाकारों की ना गर्लफ्रेंड्स नहीं होती। तो क्या होती? उनकी मोहब्बतें होती है मेरे भाई। अरे वो मोहब्बतें के शर्त था, नीचे उतर, नीचे उतर। एक ही सोफा है घर पर टूट जाएगा, लड़की चल रही हो छाया मेरी जान ले लेगी। सॉरी तूने मेरी जान बचा ली, चल इसी बात पे एक पैक और पी। अच्छा सुन, तो मुझे वो याद है पुराने दिन। पुराने दिन वो सुहाने दिन, आशिकाने दिन उसकी नमी में भीगे वो पुराने दिन। पुराने दिन छोड़ यार, आज के दिन में राय साहब ने ठीक नहीं किया। यार तू बीच बीच में राय साहब को क्यों ला रहा है? इतना अच्छा माहौल चल रहा है, तू राय साहब की पीपड़ी बजा रहा है। देखो हो गया यार, मेरे को नींद आ आया। अच्छा यही सो रहा, चल तो मुझे भी कही यार। सुन हाँ, यहाँ भी सुना है तो बैग पे सुना। अच्छा वो गाना गाते हुए चल, जो हॉस्टल में गाता था तेरे लिए। हाँ हाँ, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार याद रखे। अरे मेरा स्टेशन आ गया, मेरा जंक्शन आ गया, मेरा जंक्शन आ गया। Thank you.
पांच बज गए, छाया आती हूँ उसके लिए चाय बनाकर लाता हूँ, साथ में मिलके पीऊंगी। चाय बना रहा था, सोचा तुम आओगी तो साथ में मिलकर पियेंगे। थोड़ी देर रुक जाते, मैं तो बनाती ना। दरअसल भूख भी लगी थी। मेरे डब्बे में खाना है, खाते हैं। मेरा डब्बा। अरे तुमने खाना नहीं खाया? तुम्हारे बिना खाना खाने का मन नहीं करता ना चाय। अरे तुमने भी तो नहीं खाया। अरे ऑफिस में इतना काम था ना, समय नहीं मिला। अरे ऐसा क्या काम यार कि आदमी को खाना खाने का समय ना मिले? आदमी नहीं औरत। मेरा मतलब वही था। ऑफिस का काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। तुम बैठो, मैं चाय बना के लेकर आती। छाया एक बात कहूं? मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करता रहता हूँ। क्या? कि भाई पत्नी दो तो छाया जैसी दो, वरना मत दो। अच्छा तो क्यों मस्का बनाया जा रहा है, मुझे बताएगा क्या बात है? बात, हाँ बात तो है। वो जयद आया था, कह रहा था उसके पास एक पुरानी मोपेड है, उसका कोई यूज नहीं है, चाहे तो तुम यूज कर सकती। क्या हुआ, क्या देख रही? सोच रही हूँ जयद को हम दोनों से कितना लगाव है ना। हमारे सुख उसके सुख है, हमारे दुख उसके दुख, और एक तरफ हमारे घरवाले जिन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जिंदा हैं या मर रहे। किसी बात पे। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। आहा लोरी बिटी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाई कहाँ रहती हो, दिन भर दिखाई नहीं देती हो। अंकल आजकल काम ज्यादा करना पड़ता है, समय ही नहीं मिलता। अच्छा ऐसा क्या काम करना पड़ता है? स्कूल जाना होगा, करना तो शाम को घंटे रात के साथ खेलना काम नहीं है। हां भाई 100% काम है। भाई देखो हमारी फूल सी बच्ची पे इतना सारा काम कि सूख कर कांटा हो गई। कांटा? मैं गलत जानते हैं। हम मुझे क्या बुलाते हैं? क्या बुलाते हैं? तितली। तितली तेरे हाथों में क्या है? कॉमिक्स आपके लिए आई हूं। लेकिन मैं इसे पढ़ कैसे सकता हूं? क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कॉमिक्स पढ़ने को मना किया है। फिर तुम पढ़ के सुना दो। ठीक है लेकिन कल से। चाय पीगी लूरी? नहीं आंटी। क्यों? क्यों लेकिन? काली हो जाऊंगी। हां फिर हमारी लोरी बिटिया से शादी कौन करेगा? नहीं अच्छा आंटी मैं चलती हूं, बाय। अच्छा रुक 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 रुक, तेरे लिए चॉकलेट लेकर आई थी। मेरे लिए भी लाई थी। बाय आंटी। बाय बेटा, जॉगिंग करते हुए जा, हेल्थ इज वेल। ज्ञान एक बात कहनी थी। तो मुझे ना ये नौकरी नहीं करनी, मैं कोई और दूसरी नौकरी करूंगी। तुम जय को कहो ना कोई नया काम ढूंढे। अरे लेकिन बात क्या है, ऐसा क्यों बोल रही? ये ऑफिस का बॉस ना बहुत खराब आदमी है, बार बार चेंबर में बुलाता है और ऐसे घूरता है जैसे किसी और को देखा ना हो। मुझे बहुत डर लगता है। बस इतने से घबरा गई? देखो जब तक कोई दूसरी नौकरी नहीं मिलती ये नौकरी करती रहूंगा। अब जरा सी बात के लिए नौकरी छोड़ देना ये अकलमंदी की बात नहीं है। ये जरा सी बात नहीं है क्या? छाया तुम समझ नहीं रही, तुम्हारा बॉस फिर भी शरीफ है, तुम्हें घूरता है। वरना दुनिया में कई ऐसे बॉस है जो अपनी पीए को चैम्बर में न बुलाकर सीधा होटल के रूम में बुलाते हैं, उनके साथ सोते हैं जिसे उनकी पीए नहीं रखे। लोग तुम्हारे लिए ऐसी बात नहीं कर रहा, मुझे खुद से ज्यादा तुम पर विश्वास है। सच क्या? बिल्कुल आराम से जाना, ठीक है? हाँ, हाँ,
भाभी जल्दी चलो, लेट हो रहा है। अरे छाया सुनो तो, छाया जय। अभी अभी गई बेटा, अभी अभी उसी का वेट कर रहा था। सुना बोलो। एक राजा था, उसकी चार रानियां थी, लेकिन संतान एक भी नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? क्या कैसे हो सकता है? यही कि किसी की चार चार रानियां हो, बच्चा एक भी ना हो। क्यों नहीं हो सकता? अब हमारे यहाँ कहाँ बच्चा है? अरे अंकल की तो सेम एक आंटी है, वहाँ तो एक नहीं चार चार थी। मेरे पापा की भी एक ही है। पापा की रानी? अरे अंकल मेरी मम्मी मेरे पापा की रानी है तो नहीं। आप देखिए मम्मी अकेली है लेकिन उनके दो बच्चे हैं, मैं और राजू। पर पगलू बच्चों से तुझे क्या मतलब? मतलब क्यों नहीं है, कहानी पढ़ने में सारा मजा तब आता है जब वो सच्ची हो। इस तरह बुद्धि बनाने से क्या फायदा? चलो आगे पढ़ो, आगे कहानी मजेदार होगी। मैं नहीं पढ़ती इस तरह की छुटपुट की कहानी, बच्चे समझ कर उल्लू बनाते हैं। और बाप रे, हमारी छोटी सी बिटिया रानी को इतना गुस्सा आता है? चलो मत पढ़ो। अंकल गाने सुनूंगी, एक रिकॉर्ड पर बजाइए ना। एक शर्त पर, निश्चित दू क्या? कौन सा गाना सुनोगी? लकड़ी की काठी काठी घोड़ा, घोड़े के दुम पे मारा थोड़ा। हाँ। वो गाना नहीं है हमारे पास। नहीं है? सोचो सोचो सोचो। हाँ, नानी तेरी बोलने को बोलेगा। ये गाना है, लो। सन्नाटा क्यों है? क्यों भाभी, बॉस ने फिर कुछ कह दिया क्या? वो आप लोग की हंसी की वजह से बच्ची उठ गई। सॉरी।
खुश खुशट बॉस से ना पूरा दफ्तर परेशान, पैर कब्र में लटके साले के, लेकिन इश्क का जस्का भी नहीं छोड़ा। ढूंढ ढूंढ कर लड़की को अपॉइंटमेंट करता, इनी मिनी चुन चुनी फुल पुनी, और ना जाने कहां से आ रहे हो। बस ड्रामा स्कूल से। और डायरेक्ट रिहर्सल किस चल रही है? डायरेक्ट रिहर्सल चालू, डायरेक्ट खुद राय साहब का एंड भी वही है जो तुमने और भाभी ने इम्प्रोवाइज किया था। राय साहब को एंड बहुत पसंद है। यार ड्रामा स्कूल की लड़की मिलते हैं, तेरे बारे में पूछते हैं, तुझसे बहुत प्यार करते हैं, तेरे निकाले जाने से असंतुष्ट है। चल यार भाई मैं चलता, मुझे लेट हो रहा है। कहाँ जा रहा है? प्रेस। क्यों? अरे दायरा का प्रकाशन भी तो करना। चल चल मैं चलता हूँ ना, आराम से जाना। बाय बाय। अरे जेल चला गया? हाँ अभी अभी गया। अच्छा तुम बैठो, मैं खाना बनाती हूँ। छाया तो दर्द होगा ना, इसे किसे सब्जी काट रही थी तुम? अच्छा यार तुम उस समय मुझसे कुछ बात कर रहे थे, जरूरी थी? जरूरी तो था पर किसी और दिन बताऊंगा। अच्छा किसी और दिन क्यों? ऐसे क्या बात है, अभी बताओ। बात बताने में हर्ज तो नहीं है, छाया मेरा एक दोस्त है, कुछ ही साल पहले उसकी शादी हुई है, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं। उसने चेकअप कराया तो डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार कमी उसमें, पर ये बात उसने अपने तक रखी, अपनी पत्नी को नहीं बताई। शायद वो ये सदमा बर्दाश्त ना कर सके। तब से लेकर अब तक वो अपने आप को अपराधी महसूस कर रहा है। अपराधी क्यों? इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, किसी ने कुछ भी जानबूझ कर नहीं किया। मुझे लगता है उसे अपनी पत्नी को सब कुछ बता देना चाहिए, कब तक छुपा के रखेगा? मुझे भी यही लगता है, लेकिन उसे एक बात का डर है कि अगर वो ये बात अपनी पत्नी को बता देगा तो दोनों के बीच दरार आने की आशंका है। किस बात की दरार? क्या एक औरत हर मुसीबत का सामना करने की शक्ति रखती है? हाँ हो सकता है कुछ समय के लिए सदमा जरूर लगे, लेकिन समय सब ठीक कर देता है। मुझे तो लगता है उसे अपनी पत्नी को सब कुछ सच बता देना चाहिए। वो और कोई नहीं, छाया वो मैं हूं। ऐसा एक्सीडेंट के बाद हुआ, डॉक्टर की यही रिपोर्ट थी। एक्सीडेंट इतना जबरदस्त था कि एक चोट ने पैर तोड़कर अपाहिज बना दिया और दूसरी चोट ने पाप बनने का सुख छीन लिया। मैंने तुम्हें अंधेरे में रखा है छाया, लेकिन सच मैं तुम्हें बच्चे का सुख नहीं दे सकता। छाया बच्चे का सुख छाया जरा पानी लेकर आना। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। अंकल आंटी कहाँ हैं? आंटी अंदर किचन में, उनसे एक ग्लास पानी भी लेके आओ। थैंक यू बेटा। कितनी कहानियां पढ़ी तुमने अभी तक? बहुत सारी। सुनाओगी?
खिचड़ी खाई थी? आंटी से कल एक रिफिल मंगवाई थी, जरा लेकर आना। इसमें रिफिल भरवा देना, बस इतनी छोटी सी बात। चल ठीक है, चलता हूं। थैंक यू, यू आर वेलकम।
दोस्त को एक
बुलवा भेजा। जरूरी था तभी बुलवाया। तो जो भी कहना है ना एक सांस में कह जाओ, अब जरा काम है। यार तुम तो हमेशा घोड़े पे सवार रहते हो, कभी कभार पैदल भी चल लिया करो। जी नहीं, पैदल चलने से जूते जल्दी गिर जाते हैं और आजकल जूते कितने महंगे हो गए हैं। शायद तुझे अंदाजा है, राज की बात बताऊं, शरीर पे कपड़े चाहे 19 लेकिन पैरों पे जूते हमेशा चमकते रहने चाहिए। मित्रवर, आदमी की औकात का अंदाजा ना उसके जूतों से लगाया जाता है। पता है, पर मैंने तुझे यहाँ पर जूतों का बखान करने नहीं बुलाया। अरे भाई, बखान भी तो उसी का करेंगे जो इस काबिल हो, चाहे वो आदमी हो या उसका जूता। खैर ये सब छोड़, मतलब की बात कर, मुझे भाभी के दफ्तर भी जाना। छाया ने बुलाया? नहीं यार, एक पर्सनल काम। पर्सनल? अच्छा ये बता, छाया के बारे में तेरी क्या राय है? किस बात को लेकर? ये उसका नेचर, व्यवहार, बात करने का तरीका। अच्छा, सच कहूं तो ज्ञान, भाभी का बातचीत, बात व्यवहार सब मुझे बहुत पसंद है। ये बात। अच्छा, अगर छाया जैसी लड़की से शादी करने का मौका मिले तो करे? एक बार सोचूंगा तो, लेकिन अभी मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। ये बात मैं तुझे एक बार नहीं हजार बार बोल चुका हूँ। क्या यार जयन, तब शादी कर ही डाल। हाँ क्यों नहीं, किसी को सुखी तो देख नहीं सकेगा। क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा रहता है यार? शादी कर लो, शादी कर लो, मुझसे कोई दुश्मन नहीं क्या है? इकलौते पेट को पालने के लिए ना जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। एक और आटा खाने की मशीन मुझे नहीं चाहिए। यार मजाक के मूड में नहीं, मैं सीरियस कह रहा हूं। देख यहाँ, यहाँ तेरी वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। देख मैं तुझसे एक बार फिर पूछ रहा हूँ, क्या शादी करेगा? अच्छा चल बता, किससे करूं? छाया। क्या कहा, एक बार फिर से बोल। क्या तू छाया से शादी करेगा? तू जानता भी है ना तू क्या बोल रहा है? पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ? देख तू मेरा दोस्त है। अरे भाग ना जाए ऐसी दोस्ती यार, मैं सब समझ रहा हूँ, सब समझ। माफ कर दी, कहने की कोई भी जरूरत नहीं है यार, जो कहना है ना साफ साफ बोल। गलत दे रहा है मुझे? गलत मैं नहीं, तू समझ रहा है साले। तेरी बीवी मेरे साथ आती जाती है, घुल मिल कर बातें करती है, इसका अर्थ तूने ये लगाया कि मुझे तेरी बीवी से इश्क हो गया है? वाह, अब दोस्ती की दुहाई देने के लिए ज्ञान बाबू सैक्रिफाइस। इतना घटिया इंसान होगा कि मैंने सोचा नहीं। अपना बलिदान अपने पास रखो, बहुत बड़ी गलतफहमी हो चुकी है तुम्हें। एक तर धोकर भी इंसान के चेहरे का भाव नहीं पड़ सकता यार। छी, मुझे छोड़, मुझे छोड़, तेरा और मेरा रिश्ता ही क्या? कुछ भी नहीं, अब कुछ रह भी तो नहीं गया, मगर कम से कम अपनी पत्नी पर तो विश्वास किया होता। मैं जा रहा हूं, वापस कभी नहीं आऊंगा, और आ भी गया तो धुतका लिखकर निकाल दे यार। तेरी गृहस्थी उजाड़ कर मुझे क्या मिलेगा? तू जानता है मैंने अपनी जिंदगी में बहुत झटके खाए, जिंदगी है तो झटके खाने ही पड़े, पर अब तकलीफ नहीं, पर अब तकलीफ नहीं हो। तुझसे सिर्फ एक ही प्रार्थना है, ये जो अपनी बातें हुई ना, जो भी भाभी से मत कह, बहुत भावुक है, सुन के सह नहीं पाएगी। मैं जा रहा, चले जाना, रोकूंगा नहीं, पर पहले पूरी बात तो सुनते जाओ। इतना सब कुछ तो सुना चुका है तू, और क्या कहना बाकी रह गया? बहुत कुछ है, बहुत कुछ। आधी बात सुनकर तुम कभी भी सच्चाई का पता नहीं लगा सकते जयंत। मैं तुमको छाया से शादी करने के लिए क्यों बोल रहा हूं? छाया मेरी पत्नी है, मैं उसका पति हूं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्यार से पेट नहीं भरता है जयंत, प्यार से पेट नहीं भरता है। एक पत्नी को अपने पति से ढेर सारी आशाएं होती है, ढेर सारी आशाएं, पर मेरे पास छाया को निराशाओं के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला यार, कुछ नहीं। क्यों, ऐसा क्या हो गया बता दो। जब बात शुरू कर ही दिए तो पूरी बात बता दो।
मैं छाया को बच्चे का सुख नहीं ले सकता है। क्या ऐसा एक्सीडेंट के बाद हुआ? डॉक्टर की ये रिपोर्ट। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कभी मौका ही नहीं मिला। ये बात भाभी को पता है? पता है, उसको सब पता है। तब से उसका रवैया चेंज हो गया, बदल गई है वो। तू बता अपनी हालत में क्या करूंगा। अब सारा निर्णय भाभी पे है। सॉरी, इसमें मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। वैसे बच्चे के लिए दूसरी शादी करना अकलमंदी की बात है। अलग अलग लोगों के सोचने का ढंग अलग अलग होता है। अरे खप हो सकता है। फिर आदमी और जानवरों में अंतर ही क्या रहे? पढ़े लिखे बनते हैं ना सबके साथ। पढ़े लिखे क्या यही है बुद्धिजीवी वर्ग? यही है? नहीं, सारे के सारे कुएं के मेंढक है यार, कुएं के मेंढक। तू भी, मैं जा रहा आज तुमने मना नहीं किया। पिछले साल शादी की सालगिरह कभी पीने नहीं दिया, हाथ से छीन कर पीट दिया था। बहुत गुस्सा आया था तुम। छाया, वो हार मेरी जीत थी। अंदर ही अंदर मुझे बहुत खुशी हुई। पूछता हूं आज भी मना करो। छाया, एक बात मना कर, मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। बस एक बार मना कर दो, सिर्फ एक बार। मैं जानती मुझे जलाने के लिए शराब पी रहे हो ना, जबकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि शराब से मुझे कितनी नफरत है। पियो, जी भर के पियो। जब अपनी सेहत की चिंता तुम्हें नहीं है तो फिर मुझे क्यों हो? तुम्हारी खामोशी अब बर्दाश्त नहीं होती है।
मेरी खामोशी क्यों? मुझे क्या हुआ? खुद से पूछो, शायद बेहतर जवाब मिलेगा। चाहे हम कब तक एक दूसरे से झूठ बोलते रहेंगे, धोखा देते रहेंगे? किसी को जानने समझने के लिए 8 साल कम नहीं होते हैं? अच्छा एक बात कहूं, मुझे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। मेरे पास क्या है? चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, दुख ही दुख। मेरे साथ रहकर तुम्हें भी दुख का भागीदारी बनना पड़ेगा। चाहे एक पति नहीं, एक दोस्त की हैसियत से तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कहूं? छाया, छाया तुम, छाया तुम दूसरी शादी कर लो। क्या? स्त्री पुरुष के संबंधों की सार्थकता एक दूसरे के प्रति आस्था, विश्वास और समर्पण में, ना कि स्वार्थ जैसे तुच्छ मानवीय विकारों में। यह अंत नहीं, यह है मध्यांतर, आपके और मेरे जीवन का मध्यांतर, छाया और ज्ञान के जीवन का मध्यांतर। आप देख रहे थे नाटक मध्यांतर। प्रतिभागी कलाकार थे मंच पर सूत्रधार श्री अंकुर राव सूर्यवंशी, ज्ञान श्री संदीप पाटिल, छाया सुश्री तितीक्षा श्रीवास्तव, जयंत श्री नीरज श्याम, लोरी सुश्री राधिका तिवारी, परछाई श्री अक्षत सिंह और श्री हर्ष अग्रहरी। मंच परे मंच संचालन श्री मयंक होने, सुश्री दिव्या गौतम और सुश्री संजना, प्रकाश परिकल्पना श्री धन्नुलाल सिन्हा, संगीत संचालन श्री अंकुर राव सूर्यवंशी, मेकअप सुश्री शीला चौरागड़े,
प्रॉपर्टी श्री विकास श्रीवास्तव। इस नाटक के लेखक थे श्री जयवर्धन, निर्देशन सुश्री विभा श्रीवास्तव का था और प्रस्तुति एक रंग सोशियो कल्चरल सोसाइटी भोपाल की। उम्मीद है आज की प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही गमक की आज की ये सभा यहीं संपन्न होती है। इजाजत दें, नमस्कार।